ये कहानी 17 साल पुरानी है, जब इंडियन एयरफोर्स ने आकलन कर बताया कि आने वाले समय में उसे 126 अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी, इसलिए सरकार को इसे खरीदने का आग्रह किया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एयरफोर्स के आग्रह को तुरंत स्वीकृति दे दी। इस बीच 2004 में सरकार बदल गई, लेकिन कांग्रेस की यह सरकार एयरफोर्स के इस आग्रह पर कुंडली मार कर बैठ गई। 3 साल बाद जब एयरफोर्स को इसकी सख्त जरूरत हुई तो 2007 में टेंडर जारी कर दिया गया। 126 में से 18 एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में खरीदे जाने थे और 108 भारत में बनने थे। इंडियन एयरफोर्स ने इसके बाद टेंडर के रिस्पांस को इवेल्युएट किया। 2012 में डसॉल्ट राफेल को लोवेस्ट बिडर घोषित किया गया। इसके बाद कांग्रेस सरकार सालों तक राफेल को लेकर मोल भाव ही करती रही, लेकिन ना तो कोई भाव तय हुआ और ना ही कोई डील हुई। इस दौरान फाइटर एयरक्राफ्ट के अभाव में इंडियन एयरफोर्स को कांग्रेस पाकिस्तान और चीन के मुकाबले काफी कमजोर कर चुकी थी। मई 2014 में जब मोदी सरकार आई और इंडियन एयरफोर्स की इस सबसे बड़ी जरूरत का पता चला, तो अगले ही साल प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील का ऐलान कर दिया। 2016 में यह डील साइन हुई। यह डील 8.7 बिलियन डॉलर की थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राफेल डील में क्या गड़बड़ी हुई। राहुल गांधी के मोदी सरकार पर 4 आरोप हैं। पहला, मोदी सरकार ने उनसे कई गुना महंगे रेट पर राफेल खरीदा है। दूसरा, राफेल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एचएएल से छीन कर रिलायंस डिफेंस को दिया। तीसरा, मोदी सरकार ने रिलायंस को पार्टनर बनाने के लिए डसॉल्ट को मजबूर किया। चौथा, रिलायंस डिफेंस को 1,30,000 करोड़ रुपए के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिले। पहले आरोप का जवाब खुद राहुल गांधी के आरोप में ही है, क्योंकि कभी राहुल कहते हैं कि उनका राफेल 520 करोड़ रुपए का था। हमारी यूपीए डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। कभी वो कहते हैं कि उनकी सरकार में राफेल 526 करोड़ रुपए में खरीदा गया। एक हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए का था। एक जगह वो राफेल की कीमत 540 करोड़ रुपए बताते हैं। एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था, तो कहीं वो 700 करोड़ रुपए बताते हैं। 700 करोड़ वाले हवाई जहाज को आपने 1500 करोड़ रुपए में खरीदा। यानी राहुल गांधी समेत कांग्रेसी सरकार में मौजूद किसी को नहीं पता कि उनकी सरकार ने राफेल हवाई जहाज को कितने में खरीदा। दरअसल जब डील हुई ही नहीं तो कीमत कौन बताए, इसलिए राहुल गांधी के मन में जो आ रहा है वही बोल रहे हैं। अगर डसॉल्ट कंपनी के उस समय के दस्तावेज और ऑडिट रिपोर्ट्स पर नजर डालें, साथ ही संडे गार्जियन अखबार की खबर को देखें, तो यूपीए की डील करीब 30 बिलियन डॉलर की होती। यानी कांग्रेस सरकार 126 एयरक्राफ्ट के लिए 30 बिलियन डॉलर देती और मोदी सरकार 36 एयरक्राफ्ट के लिए 8.7 बिलियन डॉलर दे रही है। इसमें अगर इन्फ्लेशन को भी जोड़ दें तो कांग्रेस एक एयरक्राफ्ट के लिए 244 बिलियन डॉलर और मोदी सरकार में एक एयरक्राफ्ट की कीमत 242 मिलियन डॉलर है, जबकि यूपीए की डील में कोई भी उपकरण नहीं था, जबकि मोदी सरकार की डील में फाइटर प्लेन हर तरह की सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके बाद भी मोदी सरकार ने 59 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। यानी राहुल गांधी का पहला आरोप गलत साबित हुआ है। राहुल गांधी का दूसरा आरोप है कि राफेल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एचएएल से छीन कर रिलायंस डिफेंस को दिया। इसके पीछे का सच ये है कि कांग्रेसी सरकार में एचएएल के वर्क कल्चर की वजह से डसॉल्ट ये डील से पीछे हट गया। एक तो एचएएल की क्वालिटी की गारंटी देने को डसॉल्ट तैयार नहीं था, दूसरा एचएएल ने 108 राफेल बनाने के लिए जितना मैन आवर कैलकुलेट किया था उससे इसकी कीमत 3 गुना हो जाती। यानी राहुल का दूसरा आरोप भी खारिज हो जाता है। अब बात राहुल के तीसरे आरोप की।
उनका आरोप है कि मोदी सरकार ने रिलायंस को पार्टनर बनाने के लिए दसॉल्ट को मजबूर किया, मगर राहुल के इस आरोप को फ्रांस सरकार, दसॉल्ट और भारत सरकार तीनों ने ही खारिज किया है। भारत और फ्रांस की सरकारों ने कहा है कि ये दो सरकारों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है और फ्रेंच कंपनी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किसी भी भारतीय कंपनी को पार्टनर बना सकती है। दसॉल्ट इस समय 100 कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही है, जिनमें रिलायंस भी एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरा, यूपीए सरकार के समय भी दसॉल्ट का मुकेश अंबानी वाली रिलायंस के साथ समझौता हो चुका है, यानी राहुल गांधी का तीसरा आरोप भी झूठा साबित हो जाता है। अब बात राहुल गांधी के चौथे आरोप की। राहुल गांधी का आरोप है कि रिलायंस डिफेंस को 1,30,000 करोड़ रुपए के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिले। इसकी जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि कुल ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट ही 30,000 करोड़ रुपए का है। इसमें भी रिलायंस को 3% से भी कम का काम मिला है, जो कि कुल मिलाकर सिर्फ 850 करोड़ रुपए होते हैं। यानी राहुल गांधी का ये चौथा आरोप भी गलत साबित हुआ है। कुल मिलाकर राहुल गांधी राफेल मामले में पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं।